हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज माइनर नंबर 8 जो है उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। कोई डाउट अगर रहा है तो आप लोग देख लेना ना, ठीक है? आओ वन बाय वन बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट अपन लोग करते हैं। तो लिखा है, करेक्ट स्टेटमेंट के लिए ना, इसमें कौन सा है करेक्ट है। तो सबसे पहले देखें, ऑल कोऑर्डिनेट आर क्रेनिएट, कि सारे जो कोऑर्डिनेट है वो क्रेनिएट होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें आप लोग जानते हो कि कोऑर्डिनेट जो है उसमें एक क्रेनिएट और क्रेनिएट दोनों आते हैं ना। तो जैसे यूरो कोऑर्डिनेट और सिफेलो कोऑर्डिनेट जो है ना, सब फाइलम फर्स्ट और सब फाइलम सेकेंड दोनों एक क्रेनिएट है, तो सारे कोऑर्डिनेट जो है क्रेनिएट नहीं होते हैं। फिर ऑल टेट्रापोड्स आर एमनियोट्स, की सारे जो टेट्रापोड्स हैं वो एमनियोट होते हैं। नहीं, अगर टेट्रापोड्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें एम्फीबियन जो हैं वो एन एमनियोट्स होते हैं, जिसके अंदर एमनियोन अब्सेंट होती है। लेकिन रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल जो हैं वो उनमें एमनियोन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो वो एमनियोट्स होते हैं। तो अगर वर्टिब्रेट्स के अंदर हम लोग देखें तो फिश एंड एम्फीबियन एन एमनियोट्स हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल जो हैं वो एमनियोट्स होते हैं। तो सारे टेट्रापोड्स भी एमनियोट नहीं होते हैं, जैसे एम्फीबियन एमनियोट्स नहीं है। फिर ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट, कि सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं, सही है। लेकिन सारे कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट नहीं होते, जैसे यूरो कोऑर्डिनेट, सिफेलो कोऑर्डिनेट, इनमें नोटोकोर्ड तो होती है लेकिन इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता है। तो ये वाला ऑप्शन तो सही है। फिर फोर्थ और देख लेते हैं, कि ऑल प्रोटोकोर्डेट्स हैव क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, कि जैसे अगर हम लोग प्रोटोकोर्डेट की बात करें उसमें ये एक रेनिएट होता है जिसमें यूरोकोर्डेट और सिफेलोकोर्डेट दोनों आ जाते हैं। तो जो यूरोकोर्डेट होते हैं उनके अंदर ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, और उनके अंदर एक सिंगल चैम्बर ट्यूबुलर हर्ट भी होता है जो एक्चुअल में न्यूरोजेनिक होता है। अगर सिफेलोकोर्डेट की बात करें और वर्टिब्रेट की बात करें, सब फाइलम 2 एंड 3 है ना, दोनों के अंदर क्लोज ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, लेकिन सिफेलोकोर्डेट जो उसके अंदर हर्ट अब्सेंट होता है। तो यहाँ अगर देखें कि ऑल प्रोटोकोर्डेट हैव क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो ये भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि प्रोटोकोर्डेट के अंदर दो आ गए, सब फाइलम 1 एंड सब फाइलम 2। तो सब फाइलम 1 जो है इसके अंदर कैसा है, ओपन है ना, इसीलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। चले आगे। ओके, अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा है, द अडल्ट आर मैरीन बट दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पेवनिंग इन केस ऑफ, है ना, एनाड्रोमस माइग्रेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, साइक्लोस्ट्रोमेट के केस में ना, लैम्प्री पेट्रोमाइजोन है ना, ये स्पेवनिंग के लिए ये जो है फ्रेश वाटर के अंदर जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। ओनली कोऑर्डिनेट विद ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आर, तो अभी जैसे अपन ने पीछे भी डिस्कस किया था, तो जो यूरो कोऑर्डिनेट है उनके अंदर ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। बोनीफिश कैन स्टे एट एनी पर्टिकुलर डेप्थ इन वाटर विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोनीफिश जो है ऑस्ट्रिक्थीज है ना, उनके अंदर एक्चुअल में एयर ब्लैडर होता है जिसके अंदर एयर फिलअप होती है, जिसकी वजह से एक तरीके से उत्प्लावन बल जिसको ब्यूएनसी बोलते हैं वो क्रिएट होती है, और इससे वो पानी में डूबते नहीं है और उनको तैरने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो कॉन्डक्ट थी जो उसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, इसलिए वो पानी के अंदर नीचे डूब सकते हैं, और इसलिए डूबने से बचने के लिए उनको लगातार तैरना पड़ता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पूछिए तो वो आंसर हो जाएगा कौन सा, स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर। न्यूमेटिक बोन्स नहीं, ये बर्ड से रिलेटेड है ना। ऑपरकुलम तो जो गिल स्लिट्स हैं उनकी कवरिंग है, बोनीफिश से रिलेटेड है ये। और क्लोइका अलग स्ट्रक्चर होती है, जो बोनीफिश जो है उसके अंदर अब्सेंट होती है लेकिन कॉन्ड्रोक्थीज के अंदर प्रेजेंट होती है, कॉमन ओपनिंग होती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक की, एलिमेंट्री कैनाल की, एक्सक्रीटरी कैनाल की है ना, तो वो भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो आंसर हो जाएगा स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर के इसके अलावा और भी टास्क है, साउंड प्रोडक्शन के अंदर है ना, इसके अलावा रेस्पिरेशन के अंदर भी कुछ रोल वो प्ले करती है। चलो अगला क्वेश्चन जो है उस वो मैचिंग वाला, और अब आपको इनकरेक्ट मैच इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो एक्सकीडिया ना यूरोकोर्डेट के रेस्पेक्ट में है, सिसाइल कोर्डेट है, और ये सिसाइल भी कौन से है, अडल्ट अडल्ट, क्योंकि इसके अंदर अडल्ट सिसाइल होते हैं लेकिन उनका जो लार्वा होता है वो फ्रीली स्विमिंग फॉर्म शो करता है। प्रिस्टिस शो फिश सही है, मैच हो रहा है। कॉन्ड्रोक्थीज है, कार्टिलेजिनस फिश, ट्राइगोन साइक ट्राइगोन
स्टिंग रे बोलते हैं और ये भी कॉन्ड्रक्थीज है और उनके अंदर प्लैकोइड स्केल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, साइक्लोइड स्केल्स, तो ये वाला गड़बड़ हो गया। फिर लैबियो बोनीफिश है ना, और ये ओविपेरस होती है और फ्रेश वाटर फॉर्म है ये, तो ये वाला भी करेक्ट है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा था, थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, अपने को इसके अंदर ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कार्टिलेजनस फिश के रेस्पेक्ट में हो ना, उनके एंडल स्केल्टन के लिए, कि द ऑप्शन इन विच ऑल मेंशन एनिमल हैव टोटली कार्टिलेजनस एंडोस्केल्टन, मतलब है ना इसमें कुछ एनिमल दिए हैं और ऐसा ऑप्शन देखने जिसमें सारे एनिमल के अंदर कार्टिलेजनस एंडोस्केल्टन। ओके, देखते हैं, पेट्रोमाइजोन कार्टिलेजनस है, बोनी फिश है ये, एक थायोफिश ये लिम्बलेस एम्फीबियन है, इसमें भी बोनी एंडोस्केल्टन है, तो ये दोनों बोनी वाले हो गए और ये कार्टिलेजनस, ये कार्टिलेजनस फिश, कार्टिलेजनस, और इसके अलावा फिर यहाँ अगर देखें प्रिस्टिश शॉफिश, ये भी कार्टिलेजनस, उसके बाद में कार्केरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क है ना, कार्टिलेजनस फिश, स्कोलियोडॉन डॉग फिश कार्टिलेजनस, लेकिन बीटा फाइटिंग फिश बोनी फिश होगी, बोनी एंडोस्केल्टन है, लेबियो बोनी एंडोस्केल्टन है, क्लेरियस टॉर्पिडो, टॉर्पिडो ये देखो कि इलेक्ट्रिक रे, ये भी क्या है कार्टिलेजनस एंडोस्केल्टन वाली, लेकिन ये जो दोनों हैं ये बोनी वाली होगी। तो आप लोग देखें ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर तीनों के अंदर ही कार्टिलेजनस एंडोस्केल्टन है, तो वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, चले आगे। नोटोकॉर्ड एक अपना एनसीईआरटी का एक डायग्राम है जिसके अंदर वर्टिब्रेट जो है उसकी एम्ब्रियो का एक डायग्राम है और इसके अंदर सबसे ऊपर की तरफ होती है नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, और उसके नीचे जो है वो है नोटोकॉर्ड, इसके नीचे क्या है नोटोकॉर्ड, और आप लोगों ने पढ़ा है कि सबसे इसके भी वेंट्रली अगर देखें तो उनकी एलिमेंट्री केनाल है, ये एनस है और ये माउथ है और ये फेरिंगियल गिल सिलिट्स होते हैं ना, ये पोस्ट एनल टेल है। तो नोटोकॉर्ड ऑफ कॉर्डेट लाई बिटवीन, तो नोटोकॉर्ड जो ये है नोटोकॉर्ड तो ये नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री केनाल के बीच में है, तो लाई बिटवीन नर्व कॉर्ड एंड गट कह सकते हैं, नर्व कॉर्ड एंड गट वाला पार्ट, क्यों, तो नोटोकॉर्ड के डोर्सल नर्व कॉर्ड है और एलिमेंट्री केनाल के डोर्सल कौन है, नोटोकॉर्ड है। ठीक है, तो नर्व कॉर्ड एंड गट हो जाएगा। ड्राई स्किन और कवर्ड बाय स्केल्स लैकिंग एनी ग्लैंड्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब है ये जो है एव्स का करेक्टर है, बर्ड्स का करेक्टर है जिसकी स्किन ड्राई होती है, सॉरी क्योंकि स्केल्स की भी बात की है ना, तो बर्ड्स का नहीं, क्योंकि बर्ड्स की जो बॉडी सरफेस है उस पर स्केल्स एब्सेंट होती है, फिदर्स होते हैं, लेकिन उनके जो हैंड लिंब है उन पर जरूर स्केल्स की प्रेजेंस होती है, तो ये रेप्टाइल के लिए पूछा है, ड्राई स्किन कवर्ड बाई स्केल्स एंड लैकिंग एनी ग्लैंड्स इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो अपने को इसमें रेप्टाइल देखना है, तो बर्ड्स आ गया, ये एक लेंगे मैमल हो गया, ये नहीं लेंगे, टेस्टुडो एंड नाजा, ये दोनों रेप्टाइल हैं, तो ये आंसर हो जाएगा, इसके अंदर रेप्टाइल लेकिन एक थायोफिश लिम्बलेस एम्फीबियन, ये अपन लोग नहीं लेंगे, ड्राई स्किन नहीं है इसकी, स्ट्रूथियो बर्ड्स आ गया ना, टेरोपस मैमल हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड। इनकरेक्ट मैच देखना है, एक्जोसिटस फ्लाइंग फिश सही है, हाइला ट्री फ्रॉग सही है, टॉर्पिडो पॉइजनस स्टिंग और टेरोफाइलम एंजल फिश ये ठीक है, टॉर्पिडो जो है वो इलेक्ट्रिक रे है, स्टिंग रे नहीं है ना, वो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन यहां पर गड़बड़ हो गया। नंबर ऑफ गिल स्लिट्स आर मैक्सिमम इन, अगर गिल स्लिट्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देखें कि जो साइक्लोस्टोमेट्स होते हैं उनके अंदर गिल स्लिट्स जो हैं वो पेयर के अंदर 6 से 10+ पेयर की फॉर्म में जो है एनसीईआरटी दे रखी है, तो साइक्लोस्टोमेट्स जो हैं जैसे लैम्परी वगैरह, तो वहाँ पे हैगफिश वगैरह, तो वहाँ पर गिल स्लिट्स जो हैं वो मैक्सिमम है, ऑस्ट्रिच जो है 4 पेयर हैं, इसमें 5 पेयर के आसपास भी है, कुछ के अंदर 6 पेयर भी होते हैं, है ना, तो कंपेयर टू अदर साइक्लोस्टोमेट जो है उनके अंदर नंबर ऑफ गिल स्लिट जो है वो ज्यादा होती है।
यहाँ पे अपने को करेक्टली मैच वाला ऑप्शन जो है देखना है, ऐसा जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो। तो मेमेलिया, विविपेरस, लेकिन इसके अंदर एगलिंग मैमल भी होते हैं ना, प्रोटोथीरियन, मोनोट्रीमेटा और एगलिंग मैमल्स, जो मैमल और रेप्टाइल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, तो ये एक्सेप्शन आ गया इसमें। रेप्टीलिया, थ्री चेम्बर्ड हर्ट विदाउट पार्शली विथ पार्शली डिवाइडेड वेंट्रिकल, मतलब इसको 3.5 की बात कर रहा है, लेकिन क्रोकोडाइल एक्सेप्शन हो गया, उसके अंदर 4 चेम्बर्ड हर्ट होता है ना। कोर्डेटा, एक्सक्रेशन बाई किडनी, नहीं, इसके अंदर भी एक्सेप्शन आ गया। जैसे यूरोकोडेट में न्यूरल ग्लैंड होती है, सिफेलोकोडेट के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट है ना, और उसके बाद वर्टिब्रेट के अंदर बात करें उनमें किडनी होती है, प्रोनेफ्रिक, मिजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, तो सारे कॉर्डेट में किडनी भी नहीं होती, तो इसमें भी एक्सेप्शन आ गया। कॉन्डक्टीज, कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव थ्री चेम्बर्ड हर्ट, इसका मतलब है कि एम्फीबियन एंड रेप्टाइल इनके अंदर 3 चेम्बर्ड हर्ट है, यानी या तो हो सकती है कोई फिश, या हो सकती है बर्ड्स या मैमल, तो ऐसा ही ऑप्शन अपने को देखना। लंग फिश जो है वो एक्सेप्शन है, उसमें 3 चेम्बर्ड हर्ट है, 3 चेम्बर्ड हर्ट है, एक इक्थायोफिश, लिम्बलेस एम्फीबियन, 3 चेम्बर्ड हर्ट है, ये देखो फ्लाइंग फिश 2 चेम्बर्ड हर्ट होता है ना, मेराइन बोनी फिश है, ये 2 चेम्बर्ड हर्ट है इसका, एक ओरिकल एक वेंटिकल। ओके, ये जो फिगर है वो यूरोकोडेट की एडल्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्यूनिकेट सही है ना, और क्या देख रहे हैं, कैन नॉट बी एट्रिब्यूटेड है ना, यानी यूरोकोडेट इस हार्डमानिया के लिए कौन सा एक सही नहीं है ना, तो इसके लिए अपने को देखना है। रेट्रोग्रेसिव मेटामोरफोसिस के अंदर होता है, क्योंकि लार्वा जो है वो ज़्यादा डेवलप है और अडल्ट जो है वो लेस डेवलप है, क्योंकि इसके अंदर टेल भी है, नर कॉर्ड भी है, नोटो कॉर्ड भी है, गिल स्लिट्स भी है, मोशन भी हो रहा है, लेकिन इसके अंदर सब कुछ गायब हो जाता है, बस गिल स्लिट्स दोनों में कॉमन है, इसमें नोटो कॉर्ड डिसअपियर, नर कॉर्ड डिसअपियर, हाँ टेल भी डिसअपियर और सिसाइल हो जाता है, क्योंकि इसी टाइप के मेटामॉर्फोसिस मॉर्फोसिस को क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव। आउटर एनवेलोप जो वो ट्यूनिशियन का बना होता है ना, सेलुलोज लाइक, इसलिए इनको ट्यूनिकेट भी कहते हैं, ये भी ठीक है। सिंगल चेम्बर्ड हर्ट होता है, ट्यूबुलर हर्ट होता है, जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ट्यूबुलर हर्ट इनका है, और दोनों डायरेक्शन के अंदर इसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, हालांकि इनके अंदर ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन है, और ये जो ट्यूबुलर हर्ट है वो न्यूरोजेनिक होता है, तो एक्सेप्शन हो गया ये। सोलेनोसाइट इनका करेक्टर नहीं है, ये सिफेलोकॉर्डेट्स का होता है, इनके अंदर तो न्यूरल ग्लैंड होती है, और इनका जो ब्लड है वो भी कलरलेस होता है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो इसमें क्या पूछा है, कैन नॉट भी है ना, तो डी एंड ई ले सकते हैं, डी एंड ई, यानी थर्ड ऑप्शन डी एंड ई। ओके, कॉकरोच का हेड जो है वो थोरेक्स में किससे कनेक्टेड होता है, तो एक छोटी सी नेक होती है, ये कह सकते हैं कि जो प्रो थोरेक्स है उसका ही एक शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रो थोरेक्स, ठीक है। द स्ट्रक्चर विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी इन कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर आपको पता है ट्रैकियल सिस्टम होता है, और उसी ट्रैकियल सिस्टम की हेल्प से बॉडी की सारी सेल्स तक जो ऑक्सीजन पहुंच जाती है, क्योंकि इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम से ज़्यादा डेवलप होता है, इसलिए ब्लड का रोल भी नहीं है गैसियस ट्रांसपोर्ट के अंदर। फाइंड आउट इन करेक्ट मैच, ओके, विद रेस्पेक्ट टू लोकेशन एंड स्ट्रक्चर इन कॉकरोच। ओके, तो टेस्टिस 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं, ओवरीज 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, ये भी ठीक है, मशरूम ग्लैंड जो है वो 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में, ये भी ठीक है, लेकिन स्पर्मेथिका जो है जिसमें स्पम का स्टोरेज किया जाता है, अदर जो जो मेल पार्टनर उससे लिए हुए, तो वो 6 सेगमेंट के अंदर है, इसीलिए ये वाला जो है वो रॉन्ग इनकरेक्ट इसके अंदर हो गए। हाउ मेनी एग आर प्रेजेंट इन एन उथिका ना, फीमेल कई उथिका प्रोड्यूस करती है, 9 से 10, लेकिन हर एक उथिका के अंदर जो है वो 14 से 16 एग प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब है कि अगर मैक्सिमम की बात करें तो 14 × 9 और 16 × 10 भी आप लोग कर सकते हो। ओके, तो आंसर हो जाएगा, इसमें एक उथिका के लिए पूछा इसलिए आंसर हो जाएगा 14 to 16, 2 रो के अंदर होता है, ऐसा लिखा एनसीईआरटी ने। मैमल्स हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड वीवीपेरस एक्सेप्ट, क्यों, तो मतलब ओवीपेरस मैमल देखना है, तो वीवीपेरस, 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 ये देखो ओवीपेरस मैमल है,
डेल्फिनस एंड बेलेनोप्टेरा, ये सिटेशियन है, एक्वेटिक मैमल है, बेलेनोप्टेरा ब्लू वेल, डेल्फिनस डॉल्फिन, इक्वस हॉर्स घोड़ा, है ना। तो ये सब विविपेरस है, लेकिन ये जो है प्रोटोथीरियन मोनोट्रीमेटा का मेंबर है, एक लिंग है। कॉकरोच के रेस्पेक्ट में उसकी एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया है, जिसके अंदर आप लोग देखें फोर गट, मिड गट और हाइंड गट है ना। तो इसमें क्या पूछा है, फॉलोइंग डायग्राम है ना, एलिमेंट्री कैनाल है और करेक्ट लेबलिंग देखनी है। विच स्ट्रक्चर इज नॉट इंटरनली इंटरनली लाइंड बाई क्यूटिकल। अब देखो कि जो फोर गट और हाइंड गट है वो इंटरनली क्यूटिकल से लाइनिंग उसमें रहती है, लेकिन जो मिड गट है वो इंटरनली क्यूटिकल जो है उससे कवर्ड नहीं होती है ना। तो आंसर हो जाएगा सी, मिड गट, ये थर्ड वाला। ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक जो है बर्ड्स की, उसके अंदर इवोल्यूशन के दौरान दो एडिशनल चैम्बर डेवलप हो गए थे, क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप के अंदर थोड़ा सा स्टोरेज किया जा सकता है, गिजार्ड टीथ की, बीक के अंदर टीथ की अब्सेंस को कंपनसेट करता है ना मेस्टिकेशन के अंदर। तो सेकेंड आंसर हो जाएगा। कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम का ये डायग्राम है, जो ओपन टाइप का होता है, इसमें हमें हमें उसका डोर्सली प्रेजेंट हर्ट एलरी मसल के साथ नजर आ रहा है। और क्या पूछ रहा है, विच इंक्लूड स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन दिस सिस्टम। अच्छा, इसके अंदर क्या नहीं है, देखो हर्ट है, एओटा भी है, एओटा कौन सा, ये रहा, ये एओटा है, और एलरी मसल्स भी हैं, ये देखो एलरी मसल्स, लेकिन कैपलरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन है और कैपलरीज जो है वो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन का करेक्टर होता है ना, तो कैपलरीज इसके अंदर अब्सेंट होती है। कुछ एनिमल दिए हैं और इसके अंदर पूछा डाइकोंडाइलिक स्कल कितने में। आप लोग देखें कि वर्टिब्रेट के अंदर फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स के अंदर मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है, जिसके अंदर एक ओसिपिटल कोंडाइल होता है, एक सिंगल, लेकिन एम्फीबियन और मैमल जो है उनके अंदर डाइकोंडाइलिक स्कल होती है। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ दीज हैव डाइकोंडाइलिक स्कल। एम्फीबियन, एम्फीबियन, मैमल, मैमल है ना, रेप्टाइल मोनोकोंडाइलिक, टेरोफाइलम फिश मोनोकोंडाइलिक, तो चार ऐसे मेंबर हैं जिसके अंदर डाइकोंडाइलिक स्कल हो गई है, मैमल भी और एम्फीबियन भी। अर्थवर्म जो है उसके अंदर एक डिस्टिंक्ट हेड जो है उसकी अब्सेंस होती है ना, बाकी तो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कॉकरोच का हेड किस टाइप का है, ट्राइंगुलर भी है, थोड़ा सा झुका हुआ भी है, और सिक्स सेगमेंट, एम्ब्रियो के अंदर सिक्स सेगमेंट होते हैं जो फ्यूज होकर के अडल्ट में एक सेगमेंट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो चारों ही ऑप्शन इसके लिए, तीनों ही ऑप्शन इसके लिए सही है। ओके, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओनली इन मेल कॉकरोच। जो कॉकरोच है वो यूनिसेक्सुअल या डायोसियस होते हैं, इनके अंदर जो है सेक्सुअली सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म मिलता है, मेल और फीमेल को हम लोग अलग कर सकते हैं, जो उनका हेड, थोरिक्स और एब्डोमिन वाला जो पार्ट है, उधर वाला पार्ट, उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि मेल है या फीमेल है ना। तो मेल के अंदर जो है वो एनल स्टाइल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो फीमेल के अंदर नहीं है, जो जिससे अपन लोग इसको पता लगा सकते हैं। तो सेकंड, प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, जो नाइन्थ जो सेगमेंट है उसमें वेंट्रली अराइज होते हैं और अनसेगमेंटेड होते हैं, और ये केवल मेल के अंदर होते हैं। एनल सर्कस जो है वो एनएल सर्कस हो गया, जॉइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर, ये मेल में भी और फीमेल में भी है। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन स्क्लेराइटर गाइड को कनेक्ट करती है, मेल में भी है फीमेल में भी है ना। काइटेनियस स्केल्टन तो पूरे के पूरे ऑर्थोपोड का ही फीचर है ना। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, कॉकरोच में जो है जो विंग है, जैसे प्रोथोरिक्स, मिजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स, तो मिजोथोरिक्स जो उसमें टैगमिना है, बड़े जो विंग है, जो विंग सील्ड एक्चुअल में उड़ने में हेल्प नहीं करते हैं, ट्रांसपेरेंट भी नहीं होते, थिक भी होते हैं, लेकिन जो मेटा विंग है वो उड़ने में हेल्प करते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेनस है, हल्के हैं, ट्रांसपेरेंट है। तो इन कॉकरोच विंग दैट हेल्प इन फ्लाइंग आर है ना, तो फोर विंग नहीं, मिजो विंग भी नहीं, मेटा विंग होना चाहिए या हाइंड विंग, विच आर ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस। टैग्मिना तो जो है वो मीजो विंग को ही बोलते हैं, इलाइट्रा। तो थर्ड आंसर हो जाएगा। द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेना प्लेनेट अमेरिका ना, मतलब कॉकरोच जो है उसके अंदर डेवलपमेंट किस टाइप का होता है। ऑर्थोपोड्स में अलग अलग तरीके से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ई मेटाबुलस, पैरो मेटाबुलस, हेमी मेटाबुलस, होलो मेटाबुलस, इस तरीके से अलग अलग, लेकिन इनके अंदर स्लो टाइप का ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसमें बीच में कई जो है वो लार्वल स्टेज मिलती है, जिनको निम्फ बोलते हैं ना। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट है उसको बोलते हैं पैरो मेटाबुलस। ओके, क्या पूछा है,
कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और अपने को इसके अंदर क्या देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। सेलिवरी ग्लैंड्स आर अब्सेंट इन फ्रॉग्स और डाइजेशन स्टार्ट इन स्टमक, फ्रॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आई है और फ्रॉग के अंदर सेलिवरी ग्लैंड अब्सेंट होती है, आपको ध्यान में रखना है। और स्कल अभी बताया डाइकोंडालिक होती है और फ्रॉग जो पानी नहीं पीते अपनी स्किन से ही वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि इनकी स्किन जो है उसके ऊपर स्केल्स की अब्सेंस होती है ना। और थायरोक्सिन हार्मोन इनको चाहिए मेटामॉर्फोसिस के लिए है ना, ताकि जो टैडपोल है वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो पाए। तो सारे स्टेटमेंट जो है इनसे रिलेटेड है। ओके, इनकरेक्ट देखना है किसके लिए, कोरोइड लेयर के लिए, ठीक है। तो स्क्लेरा आउटर लेयर है, फिर मिडल कोरोइड है और इनर रेटिना है। तो मिडल लेयर सही है, प्रेजेंट इन ओनली 2/3, नहीं पूरे पार्ट में होता है, पीछे थिन होती है और लेकिन आगे की तरफ थोड़ा सा उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और आगे की तरफ वो सीलियरी बॉडी वगैरह का फॉर्मेशन भी करता है। तो ये वाला जो गड़बड़ हो गया, इट फॉर्म सीलियरी बॉडी आयरिस, सही है, एंटीरियर साइड में अभी बताया आपको मैंने, और कंटेन मैनी ब्लड वेसल एंड लुक ब्लूइश कलरफुल, भी ब्लू कलर की भी नजर आती है, इसमें ब्लड सप्लाई भी अच्छी होती है। तो सेकेंड आंसर हो जाएगा। फोटो रिसेप्टर जो रेटिना के हैं वो सबसे बाहर की तरफ रोड एंड कौन है, रोड सेल आपको पता है नंबर में ज़्यादा, कौन सेल कम है, रोड सेल डार्क विजन के लिए और कौन सेल लाइट विजन के लिए और कलर विजन में भी कौन सेल हेल्प करती है ना। तो फॉर्म आउटर मोस्ट लेयर ऑफ न्यूरोसेंसरी रेटिना, सही है, डू नॉट पूछा है ना, तो ये तो ठीक है। रिसीव द लाइट एंड जनरेट इम्पल्स, ये भी ठीक है। सेंसिटिव टू लाइट, दोनों ही सेंसिटिव लाइट, सेंसिटिव टू लाइट भी होते हैं ना, लेकिन जो रोड सेल है वो लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है और कौन सेल जो लाइट के लिए कम सेंसिटिव है, रोड सेल लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है इसीलिए वो लो लाइट में भी वर्क कर जाती है, और कौन सेल लाइट के लिए कम सेंसिटिव है इसलिए रात को डार्क में और कौन सेल एक्टिवेट हो नहीं पाती वो, क्योंकि लाइट के लिए कम सेंसिटिव है इसीलिए उनको एक्टिवेट करने के लिए जो है ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी की नीड होती है। फिर डिस्टिंग्विश द कलर इन डिम लाइट, नहीं डिम लाइट के अंदर हम लोग अभी बात की कि रोड सेल वर्क करती है, रोड सेल जो अलग अलग कलर के अंदर डिफ्रेंशिएट उनको नहीं कर सकती क्योंकि डिम लाइट के अंदर तो रोड वर्क करेगी, कौन वर्क करेगी नहीं, और कौन वर्क का ये टास्क है ना। तो डू नॉट पूछा है तो डिस्टिंग्विश द कलर इन डिम लाइट, ये वाला आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है आई के लिए, चलो ब्लाइंड स्पॉट इज ए पार्ट ऑफ रेटिना विदाउट रोड एंड कौन, सही है, यहाँ पर रोड कौन नहीं होती, यहाँ पर तो यहाँ से तो ऑप्टिक नर्व बाहर जाती है। फोविया हैज ओनली कौन, बिल्कुल फोविया के अंदर केवल कौनस होती है, फोविया वाला पार्ट। मैक्यूला ल्यूटिया इज सेंट्रल पिट इन फोविया, नहीं मैक्यूला ल्यूटिया जो है उसका जो सेंट्रल वाला पार्ट है उसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस, तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो ये वाला गलत हो गया। बाकी एक्वस चैम्बर जो है वो कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता ही है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्शन इज इंड्यूस्ड बाई, जब लाइट गिरती है ना और इसकी वजह से फिर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, तो आंसर हो जाएगा लाइट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इमेज नहीं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट जो है वो गैंग्लियोनिक सेल करती है, फोटो रिसेप्टर सेल और बाइपोलर सेल में तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर गैंग्लियोनिक सेल जो एक्टिवेट होकर के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। तो लाइट तो आ जाएगा आपका ए में और विच जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर को जो है आप लोग लेबिरिंथ भी कह सकते हैं, जिसके अंदर बाहर की तरफ बोनी लेबिरिंथ होता है, बोनी लेबिरिंथ, और इसके अंदर एक फ्लूड भरा हुआ होता है जिसको पेरिलिम्फ कहते हैं, और इसके अंदर की तरफ जो है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है और उसके अंदर एंडोलिम्फ होता है। तो देखें मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ ठीक है, वो तो इंटरनल ईयर का ही पार्ट है, स्निडेरियन मेम्ब्रेन आपके नोज वाला पार्ट है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी हेलिकोट्रीमा कॉकलिया जो है उसमें अपर और लोअर चैम्बर को कनेक्ट करने वाली ओपनिंग है और वेस्टिबुलर अपरेटस जो है वो इस तरफ जो यूटिकुलर सैक्यूलर या मैं कहूँ कि कॉकलिया जो है उसके ऊपर वाला पार्ट है जो बैलेंस से रिलेटेड है, जिसमें सेमी सर्कुलर केनाल भी आ गई और आपके ऑटोलिथ ऑर्गन यूटिकुलस और सेक्यूल भी आ गए, तो सेकेंड जो है वो आपका इंटरनल ईयर से रिलेटेड नहीं है। बैसिलर मेम्ब्रेन किसके बीच में प्रेजेंट होती है, कॉकलिया वाला जो पार्ट है आप लोग देखें, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेन है ना, तो ये बैसिलर मेम्ब्रेन है और ये किसके बीच में है, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेन है।
ओके यहां पर ईयर ऑसिकल्स को दे रखा है और इसके अंदर क्या पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस पूछी है जो साउंड वाइब्रेशन आउटर ईयर से इनर ईयर की तरफ बढ़ता है। तो मेलियस इनकस टेपेज, मेलियस इनकस टेपेज ए बी सी है ना, सिंपल आंसर था इसका। ट्रांसमिशन भी करती है और एम्पलीफाई भी करती है। ह्यूमन स्केल्टन में क्या क्या ये पूछा जा रहा है, तो ह्यूमन स्केल्टन में बोन भी है, कार्टिलेज भी और केराटिनाइज स्ट्रक्चर भी है। केराटिनाइज स्ट्रक्चर का मतलब है एपिडर्मिस, नेल्स, हेयर्स। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लाइबिलिटी ऑफ कार्टिलेजनस मैट्रिक्स, है ना। प्लाइबल का मतलब जैसे ढाला जाए वैसे ढल जाती है, तो मूवमेंट लोकोमोशन वाले ही चैप्टर के अंदर दिया है, जिसके अंदर कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट जो है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। इनकरेक्ट मैच अपने को इसके अंदर फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्कल इन्वॉल्व क्रैनियल बोन एंड फेशियल बोन, सही है ना। क्रैनियल बोन बोन 8 है, फेशियल बोन 14 है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो एक और बोन आप लोग देखें, यू शेप्ड हायोड जिसको अपन बोलते हैं, हायोड जो ये आगे देखो, यू शेप्ड बोन विच डू नॉट आर्टिकुलेट विद एनी बोन, ये भी ठीक है। ऑसिपिटल बोन जो है ये वाला स्कल वाला, विद टू कॉन्डाइल इन मैमल एंड वन कॉन्डाइल इन फ्रॉग, नहीं फ्रॉग के अंदर भी कितने हैं, दो है, अभी पीछे भी अपन लोगों ने बात की थी, तो ये वाला यहाँ पर गड़बड़ हो गया। फेशियल बोन जो है वो 8 टाइप की कह रहा है, जिसके अंदर आप लोग देखें 6 टाइप की बोन जो पेयर्ड है यानी 12, और बाकी की जो वन पेयर्ड होगी टोटल कितनी होगी 14। तो इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो तीसरा जो इनकरेक्ट हो जाएगा। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं मूवमेंट से रिलेटेड, ओके। और क्या पूछा है, फीमेल इनमें से कौन सी मूवमेंट को शो करती है, आप लोग देखें कि मस्कुलर मूवमेंट होती है, सिलियरी मूवमेंट ओविडक्ट के अंदर होती है, अमीबॉइड मूवमेंट WBC करती है, लेकिन फ्लैजुलर मूवमेंट तो मेल के का जो स्पर्मेटोजू है, स्पर्म जो है वो शो करता है ना। इसका मतलब है ए बी एंड डी आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ है, ए बी एंड डी थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कंपाउंड, सॉरी कंपोनेंट ऑफ पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, प्यूबिस है, ईशियम भी है, लेकिन ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला हो गया, यहाँ पर अगर आई आता तब वो इससे रिलेटेड होता, तो ये आंसर हो जाएगा आपका जो इलेम दे रखा है, तो ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। बाकी उनके हाफ वाले पार्ट को कॉक्सल बोन बोलते हैं, एक साथ तीनों को जो दो पास पास मौजूद होती हैं। दोनों कॉलम को मैच करने वाला क्वेश्चन है, ओके मैच कर लेते हैं। क्रैनियल बोन्स के लिए अगर देखें तो क्रैनियल बोन जो है वो आपकी कितनी हो गई, टोटल 6 टाइप की बोन हो गई क्या क्रैनियल बोन, 6 टाइप, जैसे फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, इथमोइड एंड स्फिनोइड, टोटल कितनी हो गई 6 टाइप की, तो ए का थर्ड। फिर फेशियल बोन, फेशियल बोन जो 8 टाइप की हो गई ना, जिसके अंदर जो है पेयर्ड भी है और अनपेयर्ड भी है, ओके। तो फेशियल बोन जो है उस 8 टाइप की हैं, जिसमें पेयर्ड अनपेयर्ड दोनों आ गई है ना, और टोटल कितनी है 14 है, तो ये टाइप पूछ रहा है, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट, ओके। थोरेसिस वर्टिब्रा जो थोरेसिस वाला पार्ट है उसके अंदर वर्टिब्रा कितनी है 12, तो इसका हो जाएगा सेकेंड। और बोन इन अपर एक्सट्रीमिटी मतलब अपर वाला पार्ट, तो वो बोन कितनी हो गई 64 कैसे, 30 तो ये हो गई, उसके बाद में दो क्लेविकल और दो स्कैपुला, 64 है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे इसका 4 आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोग इसको मैच कर सकते हो। मिसमैच देखना है, हिंज जॉइंट नी जॉइंट सही है, हिंज जॉइंट है साइनोवियल टाइप का। पाइवोट जॉइंट जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में है, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में नहीं, एटलस और एक्सिस के बीच में, तो ये वाला मिसमैच हो गया। साइनोवियल जॉइंट हिप जॉइंट कह सकते हैं, और शेडल जॉइंट जो है कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये भी ठीक है, तो इनकरेक्ट आपका यहाँ पर सेकंड हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस की बात की गई है, जिसमें बोन मास कम हो जाता है, और फीमेल में जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकता है, मेनोपॉज होता है, तो उनके ओवरी वर्क नहीं करते हैं, जिससे एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और इससे ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाता है। तो जो ओल्ड वुमेन है उसके अंदर ऐसा देखा गया है, अडल्ट वुमेन नहीं, मेन भी नहीं, ओल्ड वुमेन, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन जॉइंट परमिट द इजी मूवमेंट इन ऑल प्लेन? अगर सारे प्लेन की बात करें कि सारे प्लेन के अंदर इजी मूवमेंट जो है वो हो रहा है, तो जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड ग्लेनोइड कैविटी, ह्यूमरस एंड ग्लेनोइड कैविटी चारों तरफ इजीली इसके अंदर मूवमेंट हो जाता है, तो फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट फैसिलिटेड बाई ह्यूमन एंडोस्केल्टन? होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल सही है, जब भी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो ऑस्टियोक्लास्ट और पैराथायरॉयड हार्मोन की हेल्प से कैल्शियम को बोन से ब्लड में रिलीज किया जाएगा। जब भी कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो थायरोकैल्सिटोनिन ऑस्टियोब्लास्ट को प्रमोट करता है, जिससे ब्लड से कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट किया जाता है, तो ये वाला हो जाएगा, लोकोमोशन में हेल्प कर ही रहा है। ब्रीथिंग का रेगुलेशन इससे रिलेटेड नहीं है, और प्रोटेक्शन जो है वाइटल ऑर्गन की वो करता है। ये तो आंसर नॉट पूछा था, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, अगर डाउट रहा होगा तो आपका क्लियर हुआ होगा आई होप, है ना, और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े, फिर मिलते हैं आगे, बेस्ट ऑफ लक।